विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर आए मेरे सभी परिवारजनों को मेरा प्रणाम। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया कि हम 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे और इस विकसित भारत बनाने के लिए हमारे देश के 140 करोड़ लोग पूरी तन्मयता के साथ पूरी संकल्प के साथ कठिन परिश्रम के साथ एक सामूहिक प्रयासों से हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं तो भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। भारत का हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, महिला को, पुरुष को, किसान को, मजदूर को, हर व्यक्ति को गर्व है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा देश आगे, जोर से बोलो, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा देश आगे। और इस देश को आगे बढ़ाने में किसका योगदान है? आप सबका योगदान है। और आज दुनिया के अंदर कई समय था जब दुनिया के अंदर वैश्विक एजेंडा दुनिया के विकसित देश तय करते थे। आज दुनिया का वैश्विक एजेंडा भारत तय करता है, भारत की ताकत है। आपने G20 में देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी भारत ने जो एजेंडा तय किया, भारत की संस्कृति संस्कारों का एजेंडा तय किया, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, और ये मानकर एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, आज दुनिया उस एजेंडे की ओर बढ़ रही है। भारत की संस्कृति का योग आज दुनिया का एजेंडा बन गया है। दुनिया के कई देश मानते हैं तन मन शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें योग करना है। भारत के नौजवानों की ताकत, उनका सामर्थ्य, उनका नए इनोवेशन करना, आज दुनिया की कोई भी चुनौती हो उस चुनौतियों का समाधान कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। अरे दूर दराज के गांव में बैठा हुआ किसान का बेटा भी आज दुनिया की चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकाल रहा है। हमारा बेटा कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई IT में है, हमारी बेटियां दुनिया के अंदर अलग अलग जगह सेवाएं देने के अंदर सबसे ज्यादा अगर है तो हमारी बेटियां हैं। और एक समय आएगा जो दुनिया के हर मंच पर हमारी बेटियां नेतृत्व करेंगी। फाइटर प्लेन चलाना हो तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन चलाती है भारत की बेटियां।
दुनिया के अंदर जितने पायलट हैं हमसे पहले बहुत विकसित हो गए थे, लेकिन विकसित होने के बाद भी आज अगर पायलट की संख्या है महिलाओं की तो भारत में सबसे ज्यादा है। ट्रेन चलाना हो, विज्ञान के अंदर क्षेत्र के अंदर हो, डॉक्टर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों के अंदर हमारी बेटियां काम कर रही हैं। अरे दूर दराज के गांव के अंदर हमारी एनएम, हमारी नर्सिंग स्टाफ, बच्चों को पढ़ाने वाली हमारी बेटियां किलोमीटर दूर जाकर भारत के नौजवानों के सपनों को पूरा कर रही है, अच्छी शिक्षा संस्कार देने का काम कर रही है और हमारी एनएम नर्सिंग स्वस्थ भारत के सपने को देख रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम सबको जुड़ना है। हम सब उस यात्रा के यात्री हैं और कैसे हमारा विकसित भारत में सहयोग हो सकता है, किसान समृद्धशील हो, किसान कम जमीन में ज्यादा उत्पादन पैदा करे, उसकी जमीन खराब नहीं हो इसलिए जमीन की जांच कराए और नए एग्रीकल्चर के नए नए इनोवेशन है उनका उपयोग करें। आने वाले समय में ये बेटियां बैठी है ना, ये आपके खेत पे ड्रोन चलाएगी और बीज भी डालेगी और दवा भी डालेगी, आपको दवा बीज डालने की आवश्यकता नहीं, समय आने वाला है। ये बैठेगी यहां से ड्रोन और आज कंप्यूटर में फीड करेगी कि 5 बीघा के अंदर ये दवा छिड़कनी है, ड्रोन उड़ेगा और दवा छिड़क देगी, यहां से करेगी बीज डालेगी खेत में बीज डल जाएगा, बीमारी लग रही है ड्रोन को घुमाएगी पिक्चर लेगी, ड्रोन की बीमारी का पता चल जाएगा और उसकी क्या इलाज करना है, कि पत्तियां सूखनी है पानी छिड़कना है तो ड्रोन से छिड़क। बहुत समय परिवर्तन आने वाला है जी, कभी सोच नहीं सकते थे गांव के अंदर फाइबर केबल होगी, गांव के अंदर नेटवर्क आएगा, टेलीफोन तो बहुत दूर है। मुझे याद है एक कार्यकर्ता के घर पे एक बार लैंडलाइन टेलीफोन लगा था, तो उसने सबसे पहले 4:30 बजे मुझे टेलीफोन किया। मैंने बोल कृष्ण गोपाल के भाई साहब टेलीफोन लागे तो की टेलीफोन करू, आप ही कर लो, इतना लोगों का था। गैस कनेक्शन के लिए एमपी का इंतजार करते थे, कूपन मिल जाए गैस कनेक्शन मिल जाएंगे। अब हर घर के अंदर गैस है, हमारी माता बहनों को चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है, कभी रात को चूल्हा जलाए दिन में चूल्हा जलाए लकड़ी चले उसके धुआं धुएं से होने वाला नुकसान, हमारी माता बहनें जो गर्भवती है उन गर्भवती महिलाओं के 9 महीने तक अगर पोषण की कमी है तो हम 9 महीने तक उसको किट देने का काम करेंगे। हर महीने किट मिलेगा, जांच होगी और दवाइयां मिलेगी ताकि हमारी मां भी स्वस्थ रहे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। ये गरीब जो नौजवान बैठा है, ये किसान का बेटा बैठा है, आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर 1 लाख रुपए का लोन लेकर विश्वकर्मा योजना के अंदर वह गांव में बैठकर काम करेगा और 400 से 500 700 से 1000 रुपया गांव में बैठकर कमाने का काम करेगा। 20,000 ट्रेनिंग का भी मिलेगा, 80,000 उसको कैपिटल भी मिलेगी ताकि गांव में 1 लाख रुपए में काम कर। देखो कमाने वाला तो कहीं भी कमा लेता है। अभी मैं रस्ते में आ रहा था तो मोटरसाइकिल मैंने दी थी तो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर केबिन लगाया
और छोटी मोटी बेच के मैंने कितने पैसे कमा लेता हूं। उन्होंने कहा 100-150 रुपए कमा लेता हूं। घर बैठ के महिलाएं आने वाले समय हम ऐसी योजना बनाएंगे कि हमारी हर महिलाएं सिलाई सीख जाएगी, सिलाई का कच्चा माल कपड़ा किसी से दिलाएंगे, बनाया बनाया रेडीमेड वो लेगा, हर महिला को 150-200 रुपए का काम मिल जाएगा। हर गांव के अंदर हमारी योजनाएं की ट्रेनिंग कैंप खोलेंगे और जो महिलाएं अच्छा सिलाई का काम सीखना चाहती है उनको पूरा सिलाई का काम सिखाएंगे और ट्रेनिंग कराएंगे और फिर आने वाले समय उनको सिलाई मशीन देंगे ताकि वह घर बैठकर 150-200 रुपया कमा सके। हर महिला को अगर रोजगार देकर खड़ा करना होगा तो हमें कुछ न कुछ योजना बनानी पड़ेगी। गांव के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, क्या पैकिंग हो सकती है, कैसी पैकिंग हो सकती है, फिर उसकी मार्केटिंग करने का काम करें। मैंने कई बार कहा पर एक गांव नहीं मिला जिसने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ 100 महिलाएं हैं, आप उनकी ट्रेनिंग करा दो। मैंने कहा ट्रेनिंग करा दो, लिस्ट दे दो, ट्रेनिंग भी कराऊंगा, सिलाई मशीन भी मुफ्त देंगे ताकि वो खड़े होकर पेड़ों पर काम कर सके। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना चलाई है। प्रधानमंत्री की यानी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक गाड़ी आपके दरवाजे पर आई है। जो योजना है वो योजना आप सबको लाभ मिले इसलिए आपके दरवाजे पर ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी यहां पर आपके गांव गांव में आई। हमारे प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, गरीब की करते हैं, किसान की करते हैं, मजदूर की करते हैं, महिलाओं की करते हैं और इसीलिए हमें गांव स्तर पर योजना बनानी चाहिए। मेरा मत है कि गांव में कुछ लोग बैठे चर्चा करें कि हमारे गांव की आर्थिक और सामाजिक बदलाव कैसे कर सकते हैं। मैं कई बार हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि गांव में बैठे विचार बनाए कि भाई हमारे गांव के सामाजिक आर्थिक बदलाव की ये हमारी कार्य योजना है और फिर उस गांव की कार्य योजना बनाकर हम अभी बना साहब मिले थे मुझे, यहां पर डेयरी चलती है, आप गुजरात में चले जाओ हर घर में डेयरी है, हर घर के अंदर और हर घर की महिलाएं शाम को दूध निकालने का काम करती है और 200-250 रुपया कमा लेती है। हमें ये सब योजनाओं को एक साथ चलाना हो, हर गांव के अंदर घर बैठकर रोजगार मिल जाए, 50 नौजवान, 30 नौजवान, 40 नौजवान तैयार हुए कि भाई साहब ये 2 नौजवान हैं, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। तो मैंने ताज वालों से कहा कि यहाँ आप सेल्फ पे आप ट्रेनिंग कैंप खोलो। उन्हें कहा ट्रेनिंग कैंप ऐसा खोलेंगे कि जितने लोग ट्रेनिंग करेंगे उनकी भर्ती भी हम हमारे यहाँ कर देंगे, पर लिस्ट गांव गांव बनानी पड़ेगी। कोई होटल मैनेजमेंट में काम करना चाहता है, कोई कंप्यूटर में काम करना चाहता है, कोई आईटी में काम करना चाहता है, कोई किस में काम करना चाहता है, अपनी रुचि से गांव में बैठकर 10 नौजवान 20 नौजवान लिस्ट बनाए कि भाई ये गांव के नौजवान है, हम ये काम करना चाहते हैं, फिर हमें बताए, हम उस नौजवान को उस ट्रेनिंग कैंप पे ट्रेनिंग कराएंगे, आने वाले समय 15-20-25 हजार की नौकरी उसको मिल जाएगी। अरे डेटा एंट्री घर बैठे कर लेगा ना तो भी 15 हजार की नौकरी मिलती है और इसीलिए मैं बार बार गांव में सब बातें इसलिए कहता हूं और एक गांव नहीं है जो ऐसी कार्य योजना बना के लाता हूं, एक गांव, एक पंचायत, यहां बहुत नेता भी बैठते हैं पर एक भी गांव और एक भी परफेक्ट योजना बना के लाते, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति डायरेक्टर हो, चाहे पंच मिलेगा जो 2 कागज पढ़ा देगा, भाई साहब जो पानी ना रही रोड ना बन रही, अरे इसके अलावा पानी रोड तो आ जाएगा,
लोगों को रोजगार से खड़ा करो, दो टाइम की रोटी का इंतजाम करो, ये जरूरी है। जब दो टाइम की रोटी का इंतजाम आ जाएगा, आर्थिक बदलाव आएगा तो सामाजिक बदलाव भी आएगा, आर्थिक बदलाव से ही सामाजिक बदलाव आएगा। और मेरा बार बार आग्रह है, अभी हमारे पास 5 साल है, सरकार आपने बनाई है, एजेंडा बनाओ 6 महीने के अंदर अंदर, ये योजना है, 1 साल में सब एग्जीक्यूट कर देंगे। अलग अलग कागज में दो, गांव के विकास की प्राथमिकता क्या है, पहले 1, 2, 3, पहले प्राथमिकता क्या होती, हर खेत में पानी पहुंचता ताकि किसान का आमदनी बढ़ जाए, दूसरी उसकी उपज को ठीक जगह से बेचना ताकि उसकी रेट ठीक मिल जाए। अरे आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर जब जुड़ेगा ना, तो यहां पर जो सब्जी उगाओगे ना आप 6 घंटे के अंदर, तो 4.5-5 घंटे में तो दिल्ली, और 8 घंटे के अंदर बॉम्बे के बाजार में सब्जी लेने वाला आपके बाजार में आ जाएगा, यहां पर इसी जगह। योजना तो बनाए ना कि भाई हम ये उग सकती है यहां पर, ये उग सकते हैं, कुछ बनाओ। और इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, उस यात्रा में सबको जुड़ना है। जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी आई है, उस गाड़ी के अंदर सारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराना है, उन योजनाओं को समझना है, और जो गाड़ी आपके दरवाजे पर आई है उस योजना का लाभ भी आपको उठाना है, ताकि आपके जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सके। जो केंद्र राज्य की सरकार की योजना है, उस योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गाड़ी और आपके यहाँ पर भेजी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।